नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस दोस्तों आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन फॉर एग्जामिनेशंस बाय पीके क्लासेस दोस्तों आज की वीडियो में आपके थ्योरी ऑफ आप मशीन से संबंधित समस्त थ्योरटिकल एंड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे आपके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में जैसे कि आपके बेल्ट एंड पुली बेल्ट में आपका ओपन बेल्ट क्रॉस बेल्ट मैक्सिमम टेंशन एंड पावर निकालना आपको आना चाहिए तो एक तो आपकी न्यूमेरिकल्स है जो कि बेल्ट एंड पुली से आ सकता है चेन ड्राइव ब्रेक एंड क्लच ब्रेक में आपका ब्रेक एंड जो क्लच है ब्रेक में आपका सिंपल ब्रेक बैंड ब्रेक इसके बाद बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक और क्लच में यूनिफॉर्म बियर एंड प्रेशर थ्योरी पर आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साथ ही थोटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बाद कैम प्रोफाइल कैम में आपके चार प्रकार के फॉलोअर्स के मोशन होते हैं सभी प्रकार के मोशंस ऑफसेट की कंडीशन के बेसिस पर साथ ही आपके डिफरेंट टाइप के जो फॉलोअर हैं नाइफेज रोलर फ्लैट फेज इन सभी फॉलोअर्स पर आपको प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करना होगी होगीउंड ग ट्रेन की प्रॉब्लम आप देख लें यदि आपसे बनती हैं तो है तो ठीक है अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं इसके बाद आपकी कनेक्टिंग रॉड पिस्टन क्रैंक वेलोसिटी एंड एक्सलेशन तो ये आपके जो भी सिलेबस है इसके आधार पर आपके इस जगह से या इन टॉपिक से न्यूमेरिकल्स हैं जो पूछे जा सकते हैं या अक्सर पूछे जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है आपका जो थ्योरी ऑफ मशीन का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें चार से पांच आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मिल सकते हैं जैसे कि थ्री फोर न्यूमेरिकल्स अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अब इसमें एक दो प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे भी हो सकती है आपको ध्यान रखना है तो सबसे पहले आप उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो आपको आसान लगते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है साथ ही दोस्तों यदि आप कैम प्रोफाइल की बात करें गेयर गेयर की बात करें चेन पुली क्लच एंड ब्रेक की बात करें तो इनके न्यूमेरिकल्स आसान होते हैं जो आप फॉर्मुले बेस्ड होते हैं जिसको आप प्रैक्टिस करके सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद आपका जो थोरटिकल क्वेश्चन है थोरटिकल क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो कि आपके लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं इन्हीं क्वेश्चन पे हम बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं एंड हाउ इज इट डिटरमाइंड और इसको आप कैसे निकालते हैं तो जब बात आती है हाउ इज इट डिटरमाइन तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल कंसिडर करके इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालकर बताना पड़ेगा अब सेकंड है स्टेट एंड एक्सप्लेन द डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल मीस डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या है इसका स्टेटमेंट लिखिए और साथ ही इसको आप एक्सप्लेन करिए थर्ड नंबर क्वेश्चन ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी एंड एक्सिलेशन ऑफ द फॉलोवर वेन इट मूव्स विद सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स यहां पे आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है जब हमारा फॉलोवर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म कैम प्रोफाइल, बेस सर्किल, 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 प्राइम पिच प्रेशर एंगल, लिफ्ट एंड पीरियड ऑफ ड्वेल इनको आपको क्या करना है दोस्तों डिफाइन करना है तो ये जो हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कैम का एक सिंपल सा डायग्राम आप रेफर करके उसमें सभी को रिप्रेजेंट करें और रिप्रेजेंट करने के बाद उसके आधार पर आप इसको डिफाइन करेंगे ठीक अब दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है जो अभी भी पीके क्लासेस से नहीं जुड़े हैं है, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें साथ ही दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें जिससे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन आपको पता चल सके क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनके आने की संभावना सबसे अधिक है अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ए पावर स्क्रू जो पावर स्क्रू है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में आपको बताना है एंड ड्राइव इन एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेजेस और इसकी मैकेनिकल एडवांटेजेस की जो एक्सप्रेशन है फार्मूला है उसको आपको ड्राइव करना है ठीक मैकेनिकल एडवांटेज वाला नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है स्टेट द लॉ ऑफ गैरिंग जो गैर टर्मोलॉजी है एक तो क्वेश्चन एक है लॉ ऑफ गैरिंग लॉ ऑफ गैरिंग का स्टेटमेंट इसका एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है और साथ ही इसको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग इन अ गेयर ड्राइव ओके सेवेंथ नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा डिफाइन ग्रॉस ऑफ लॉ ग्रॉस ऑफ लॉ क्या है स्टेट हाउ इज इट हेल्पफुल इन क्लासिफाइंग द फोर बार मैकेनिज्म इन टू डिफरेंट टाइप्स मींस इसको आपको स्टेट हाउ इट इज हेल्पफुल मींस एक कैसे उपयोगी है फोर बार मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन में जब अलग अलग प्रकार के फोर बार मैकेनिज्म एट्थ नंबर का क्वेश्चन रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म से आप क्या समझते हैं एक्सप्लेन विद नीट स्केच ऑल द इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के सभी इन्वर्जन के बारे में आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है नाइन्थ नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल बेंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बेंड ब्रेक एक्सप्लेन विद स्केच स्केच की हेल्प से आपको सिंपल बैंड ब्रेक एंड डिफरेंशियल बैंड ब्रेक में डिफरेंस बताना है टेंथ नंबर का क्वेश्चन रहेगा डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सिस एंड टॉसनल फ्री वाइब्रेशन मीन्स ये क्या होती है लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सिस एंड टॉसनल फ्री वाइब्रेशन इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द फिनिना ऑफ इलिप एंड क्रीप इन वेल्ट ड्राइव वेल्ट ड्राइव में स्लिप एंड क्रीप क्या है इससे आप क्या समझते हैं? इसके बारे में बताइए। नंबर का क्वेश्चन पावर ट्रांसमिशन मीन्स ये आपकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस हैं बेल्ट एंड चेन ड्राइव की जो हम पावर ट्रांसमिशन में उपयोग करते हैं थर्टीन नंबर क्वेश्चन दोस्तों एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेंट्रीफिकल क्लच विद सुटेबिल स्केच सेंट्रीफिकल क्लच कैसे काम करता है इसको एक सुटेबल डायग्राम या स्केच के थ्रू एक्सप्लेन करना है फिफ्टींथ नंबर सॉरी फोर्टींथ नंबर का क्वेश्चन डिस्कस द कानामेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक इन ब्रीफ आपको काइनामेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिंक का काइनामेटिक कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है फिफ्टींथ नंबर क्वेश्चन व्हाट आर द कैम्स कैम एंड फॉलोवर्स कैम क्या होता है कैम एंड फॉलोवर का वर्गीकरण करिए या इसको क्लासिफाइड करें इसके बाद सिक्सटीन नंबर का जो क्वेश्चन है डिस्कस द कॉन क्लच इन ब्रीफ मींस कौन क्लच को ब्रीफली डिस्कस करिए इसके बारे में बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 18 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय गेट ट्रेंस गेट ट्रेन से आप क्या समझते हैं एक्सप्लेन तो मींस गेट ट्रेन हमारी तीन चार प्रकार की होती है सिंपल कंपाउंड एंड एपिसाइकलिक एंड रिवर्टेड तो ये आपको ध्यान रखना है थ्योरटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इसके बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ सिक्स लिंक मैकेनिज्म इन प्लानर मोशन इंस्टेंटेनियस सेंटर्स को आपको बताना है जो सिक्स लिंक मैकेनिज्म हो प्लानर मोशन में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म भी पूछा जा सकता है क्रैंक एंड स्लॉटेड बार मैकेनिज्म या क्विक रिटर्न मैकेनिज्म से आप क्या जानते हैं ट्वेंटी नंबर का क्वेश्चन है भट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म एंड मशीन तो मैकेनिज्म एंड मशीन से आप क्या समझते हैं इसमें अंतर बताइए या इसको एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन भट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिक्शन डिवाइजेस फ्रिक्शन डिवाइजेस कौन कौन सी होती हैं और इससे आप क्या समझते हैं एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ गेयर अलग अलग प्रकार के गेयर्स के बारे में बताइए कौन कौन से गेयर्स यूज होते हैं ट्रांसमिशन में इनको एक्सप्लेन करना है वाट डू यू अंडरस्टैंड वाई स्टेटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग मींस जो हमारी लास्ट यूनिट है इसमें स्टेटिक एंड डायनामिक बैलेंसिंग की जो सिलेबस में हेडिंग है वही हेडिंग डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है इसके बाद डिफाइन फ्रिक्शन सर्किल फ्रिक्शन एक्सेस नॉमिनिक्लेचर ऑफ केम काइनामेटिक चेन एंड लिंक मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन सर्किल फ्रिक्शन एक्सिस नॉमिनिक्लेचर ऑफ केम एंड लिंक्स को डिफाइन करना आना चाहिए कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं और ये होते क्या हैं इसके पहले आपका पेयर्स वगैरह जो पुराना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काइनामेटिक पेयर्स थे लोअर पेयर हायर पेयर हैं इसमें से यदि हम काइनामेटिक चेन की बात करें काइनामेटिक लिंक्स की बात करें तो इस पर भी आपका पेयर्स पे भी क्वेश्चन एक जनरल पूछा जा सकता है तो आपके थियोरिटिकल क्वेश्चन हैं जो इन्हीं क्वेश्चन में से अक्सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अभी तक जितने भी हम पेपर्स हुए हैं लास्ट थ्री फोर ईएस में उसमें यही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इसमें से कुछ एडिशनल क्वेश्चन मैं अपने हैंड से ऐड किए हैं एंड सम क्वेश्चन आर ऑलरेडी अस्ट इन योर एग्जाम साथ ही दोस्तों न्यूमेरिकल्स पे आपको कम से कम दो तीन यूनिट्स के न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है कि कम से कम दो न्यूमेरिकल्स आपसे बने आपको कोशिश करना है न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपसे जितना बन रहा है आपको न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है उसको आपको ब्लैंक आंसर शीट को नहीं छोड़ना है आप न्यूमेरिकल्स जितना सॉल्व कर सकते हैं आप कोशिश करें और थोटिकल एग्जाम को बढ़िया डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें आज के वीडियो में इतना ही एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ हम फिर मिलेंगे आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू